Do you know, currently 3.8 billion people are at risk of something reshaping our world? And millions are dying from something that's both preventable and treatable. And the strange part is that these things are so neglected that you might even haven't heard about them before. I'm Hoodie Amiri, and I am a global award-winning storyteller and an NTD and climate advocate. I use documentaries to tell compelling stories about NTDs and climate change. Due to my advocacy, I'm also listed as one of the 100 global leaders for eliminating NTDs. And I'm Hamath Rajput, a climate change advocate and a public speaker, currently working at the nexus of climate change and neglected tropical diseases through advocacy, community service program. And we are also the co-founders of a global initiative, CAN 1.5. What is CAN 1.5? And what is the purpose behind CAN 1.5? Basically, in our surrounding, बहुत सारे problems ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक highlight नहीं किया जाता या फिर जिनके बारे में awareness provide नहीं की जाती तब तक mankind और humanity उसके ऊपर focus नहीं करती. For example, rivers, seas, air हमारे पास पहले से मौजूद थे लेकिन जब humanity को problem face करना पड़ा traveling का तब जाके उसने इस इशू पे रिसर्च करना शुरू किया और उसे मालूम हुआ कि रिवर्स सीज एयर भी मीडियम है ट्रैवल करने के लिए एंड एज अ सोल्यूशन हमने इन्वेंट किया शिप्स और एरोप्लेन्स को. इसी तरह से क्लाइमेट चेंज और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ऐसे ही एक मेजर इश्यूज हैं जिनका करंटली ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड को चैलेंज और क्राइसिस फेस करना पड़ रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है and even people are not aware about this. Even in Pakistan, jo public sectors and government sectors hain, unhe is problem ke bare mein nahi pata. And like many others, we were like the same. Is issue se hum log aware hue in 2020, when kuch prominent international NGOs ne ek open call di to submit documentaries and stories ke youngsters or youth apne countries ke andar highlight kare ki wo kis tarah se NTDs ko solve kar rahe hain aur kis tarah se in issues ko face kar rahe hain. इस तमाम कॉम्पिटिशन के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आर लोकल कम्युनिटीज़ विद द नेम ब्रेक द स्प्रेड. इस टाइम के ऊपर मैं ख़ुद भी अवेयर नहीं थी कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कितना बड़ा इशू है और वो किस लेवल के ऊपर जो है लोगों को अफेक्ट करता है. इस कॉम्पिटिशन के अंदर मेरी फ़र्स्ट पोजिशन आई और उसके बाद जब मैंने लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज करना स्टार्ट किया तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ पाकिस्तान इज़ फेसिंग राइट नाउ. Globally, Pakistan is having the 9th highest burden of NTDs, jabki the highest burden in the Middle East. When I started engaging with news channels, to maine baat realize ki ke Pakistan ke andar even doctors ko neglected tropical diseases aur iske issues ke bare mein nahi pata. At that time, I felt ki this is my responsibility ke Pakistan ke youngsters ko ye baat realize karwai jaye ke yahan par ek is tarah ka issue exist karta hai jo ki address nahi ho raha. इस टाइम के ऊपर मैंने एडवोकेसी स्टार्ट की और डिफरेंट प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अपनी एडवोकेसी कंटिन्यू की. 2022 के अंदर आई गॉट द चांस टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान और वहाँ मैंने किगाली डिक्लेरेशन के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एंड देयर आई वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 100 लीडर्स फॉर एलिमिनेटिंग एनटीडीज. इन द मीन टाइम मैं डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस के साथ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अपनी एंगेजमेंट और अपनी एक्टिविटीज को कैरी कर रहा था जिसके अंदर मेरी जो फेवरेट एसडीजी और जिसने मुझे इंटरेस्ट डेवलप किया मेरा वो थी क्लाइमेट चेंज. जब मैंने इस सेक्टर के अंदर काम करना शुरू किया और एडवोकेसी स्टार्ट की कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स किए डिफरेंट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज किया स्टूडेंट्स के साथ इंगेज किया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो मालूम हुआ कि वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक जो कि हमें क्लास 6-7 से पढ़ाया जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में उसके बारे में इतनी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हमारी कम्युनिटी में पाई जाती है जिसे सिर्फ महदूद कर दिया जाता है सिर्फ प्लांटेशंस और ट्रीज तक. हालांकि ये एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव है और एक ग्लोबल इशू है जिसका चैलेंज आज तकरीबन हर मुल्क को फेस करना पड़ रहा है और पाकिस्तान उसमें से एक बहुत क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है. ये थ्रेट पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी बना 2022 के फ्लड्स के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग हुई मानसून के बाद एंड 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर. इस टाइम के ऊपर हम दोनों ने काफ़ी सारी कैंपेन्स की और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए. ड्यूरिंग आवर प्रोसेस वी रियलाइज्ड के इन साइड लाइन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर बट उसके साथ एक और प्रॉब्लम ग्रो कर रही है विच वॉज हेल्थ क्राइसिस. बट उस तक वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल क्रॉस सेक्शन बिटवीन द टू.
बट द कंक्लूजन पॉइंट वॉज जब हमने और पूरे वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया कि क्लाइमेट चेंज और हेल्थ क्राइसिस और हेल्थ सेक्टर हैं दो अलग अलग सेक्टर्स, लेकिन ये क्रॉस लिंक्ड इश्यूज हैं और इंटरकनेक्टेड सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो थी वो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ फ्लड, और उस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन था कि पाकिस्तान हैज़ विटनेस द सर्ज ऑफ 900% इंक्रीज इन डेंगू केसेस. एंड दैट्स वेयर वी रियलाइज्ड दैट दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द इश्यूज. इन दोनों इश्यूज को कलेक्टिवली एड्रेस करने के लिए वी हैव को फाउंडेड अ ग्लोबल इनिशिएटिव कैन 1.5, वेयर कैन रिप्रेजेंट्स क्लाइमेट एक्शन एंड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, एंड 1.5 डिग्री रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल टेम्परेचर लिमिट इट इज सेट इन पेरिस एग्रीमेंट. इसके बाद हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया. निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज और NTDs बेसिकली होती क्या हैं? ट्रॉपिकल डिजीजेज वो बीमारियों को कहते हैं जो कि मेजरली ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट होती हैं वो डिजीजेस. बाकी निगलेक्टेड इसलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है. इसके बावजूद लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को इसके बारे में नहीं पता. इवन अगर हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखें तो इतनी फंडिंग इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं की जाती जितना बड़ा ये टारगेट है. ग्लोबली 2 बिलियन से ज़्यादा लोग निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज से अफेक्टेड हैं. इसके बावजूद जब हम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर बात करते हैं तो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज को बहुत एक निगलेक्टेड टॉपिक रखा जाता है. द थिंग इज़ कि इन बीमारियों को डिजीजेज ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती हैं. द थिंग इज़ दीज डिजीजेज आर बोथ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, स्टिल दे डिसफिगर एंड दे किल मैनी पीपल. ये क्लाइमेट चेंज से इस तरह से रिलेट करती हैं कॉज ये उन बीमारियों का मिक्सचर है और उन बीमारियों का ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाली डिजीज और फंगल डिजीज पाई जाती हैं जिनको हम लोग ग्रुप करते हैं निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में. और क्लाइमेट चेंज से हमारे पास जहाँ पे हॉट प्लेसेस होती हैं और वेट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा स्प्रेड होती हैं. कॉज हॉट प्लेसेस की वजह से मस्कीटो रिप्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्हें ग्राउंड मिल जाता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए. जहाँ तक हम लोग बात करें वेट प्लेसेस की, वहाँ पे ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ की वजह से हमारे पास फंगल डिजीज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज और NTDs इस तरह से आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं. और ये फर्स्ट टाइम था जब COP28 जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके अंदर हेल्थ सेक्टर और NTDs को रिकॉग्नाइज किया गया और $777 million की फंडिंग प्रोवाइड की गई सोली NTDs को. रिकॉग्नाइजिंग दिस गैप एज यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड एज यूथ ग्लोबली हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन इश्यूज को एड्रेस करें. इसके लिए हम लोगों ने एक इस तरह की अप्रोच रखी है कि हम लोग ग्लोबल इश्यूज़ को लोकल लेवल के ऊपर, लोकल सॉल्यूशंस के जो है बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे. विद कैन 1.5 वी आर टारगेटिंग कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज एंड दोज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज थ्रू एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वी अरेंज डेलीगेशंस टू मीट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ताकि हम लोग उनसे एड्रेस कर सकें और उनसे क्वेश्चन कर सकें अबाउट द कमिटमेंट्स दे हैव प्रीवियसली मेड. विथ कैन 1.5 हम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ग्लोबली काम कर रहे हैं. एंड रिसेंटली वी लॉन्च्ड वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स विद नाइजीरिया विच वॉज डायलेक्ट्स ऑफ चेंज. इस बात को रिकोगनाइज करते हुए कि जो कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं उन तक असली इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती क्योंकि जो हमारा एडवोकेसी मटीरियल है वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर होता है एंड जो लोकल कम्युनिटीज़ दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो मटीरियल है या वो क्या है, तो इसीलिए वो इतनी अवेयरनेस में उसमें गैप रह जाता है. तो टू अकोमोडेट दैट गैप वी हैव लॉन्च्ड आवर प्रोजेक्ट जिसका हम लोगों ने एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखा अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर. एक क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है और हमें जो फेस करना पड़ता है कि आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग और आपकी जो पैशन है वो क्लाइमेट चेंज और NTDs आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, उस पर हमें एक आंसर देते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन और पैशन है पब्लिक स्पीकिंग से हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ था और जिसको हम लोग अपनी स्किल्स को, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं एडवोकेसी के अंदर. और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड में क्लाइमेट चेंज और NTDs के इशू को टैकल करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग मूव करें और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकें. एंड मैसेज जो हम लोग एक देना चाहेंगे और जो हम लोग देते हैं कि कॉज जब हमारे पास ना NTDs और क्लाइमेट चेंज टारगेट करते हुए ये नहीं देखते कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये वीडियोग्राफर है, ये जर्नलिस्ट है, देन वाई शुड वी एज चेंज मेकर्स, एज यूथ हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज डिजीजेस इन दीज सिचुएशंस, वाई शुड वी थिंक कि हम लोगों का जो प्रोफेशन है वो इस चीज से मैच करता है या नहीं. एवरीवन जिसकी जो भी स्किल है, दे कैन यूज देयर स्किल टू एडवोकेट एंड सॉल्व दीज इश्यूज बिकॉज वी बिलीव दैट टुगेदर वी कैन.